और रामपुर की जो सीटें हैं वो जीत ली है। आप तमाम जो अपडेट्स है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 1.5 लाख के ज्यादा अंतर से हराया और अब जो रुझान है परिणामों में बदलते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। 7 बजने वाले हैं और लगातार अब जो परिणाम की तरफ रिजल्ट कह सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए सपा ने आजमगढ़ चंदौली आंवला और रामपुर की सीट जो है वो जीत ली है। हमारे साथ अमित कुशवाहा जी हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई जो मुद्दे हैं उनकी कमी रह गई शायद इसी वजह से जो उस तरह के रुझान है वो आने शुरू हो गए। और मनीष जी इसके बाद आपके पास भी आऊंगी क्योंकि रुझान के को अगर देखा जाए तो लगातार सपा की जो जीत है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है रुझान में। तो, अमित जी जी तो मैं ये बात कह रहा था कि विपक्ष ने जो मुद्दे चुनाव में उठाए शायद बीजेपी उन चुनाव के मुद्दों का जवाब नहीं दे पाई और ठीक ढंग से चुनावी रणनीति नहीं बना पाई और वो सफल हो पाई। क्योंकि कैंडिडेट जब आप पहले से कर देते हैं तो आप देखिए बसपा ने आखिरी समय तक अपने कैंडिडेट्स को बदला है जी। और जैसा बीजेपी ने कैंडिडेट दिया तो वो उन्होंने विनिंग कैंडिडेट को वहां पर खड़ा किया लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने अपने पुराने जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट रहे हैं उन्हीं को रिपीट कराया ज्यादातर जगहों पर। उसका असर हुआ कि जो जीते हुए सांसद थे उनकी जो लोकप्रियता थी वो निरंतर घट रही है क्योंकि उनका जनता के साथ बहुत ज्यादा अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है। जनता उन सारे विषयों को लेकर बहुत नाराज थी और रही बात केंद्र की योजनाओं की, निश्चित तौर पर जनता को उन केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है लेकिन वो बैंक में तब्दील नहीं हो पाया। ये एक विश्लेषण का विषय है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ा वर्ग है जो दलित है उसको उसका जो समायोजन किया है समाजवादी पार्टी को उसका सीधे तौर पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ यादव समाज और या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को वोट ना देकर तमाम ऐसे समाज संप्रदाय को आगे बढ़ाया जो चाहे दूसरे राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा कर रहे थे और उन्होंने सारे विनिबल जो कैंडिडेट्स है उनको लड़ाया और ठीक ढंग से और जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत ही एक तरीके से अंडर करेंट बहुत ही बैकफुट पर लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में ये करिश्मा करके दिखाया है कि आज वो एक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने का विषय है, विश्लेषण करने का विषय है कि कहां उनकी हार हुई है, कैसे कहां संगठनात्मक संरचना पर कौन से वो लूपोल्स हैं उसको उनको भरना पड़ेगा और इसके साथ साथ नए कैंडिडेट नए चेहरे पार्टी के साथ जोड़ने पड़ेंगे और पार्टी को का जो जीतने का जो ट्रैक रिकॉर्ड था जिससे कि एक राजनीतिक दल के बीच में एक अकर्मण्यता का भाव भी आ जाता है कि हम तो जीत रहे हैं क्योंकि मोदी जी हैं, एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा चेहरा है तो हम तो आराम से जीत रहे हैं। तो कार्यकर्ता एक निष्क्रिय